हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास आरबी टू ऑनलाइन ट्रिक क्लास में। दोस्तों, मैं बीएल गहलोत आपके लिए रोज की तरह आज एक नई ट्रिक लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको बताया हमने कल आपके लिए क्लास ली थी कि राजस्थान के खारे पानी के जिले पहुंची है। दोस्तों, खारे पानी के जिले पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मीठे पानी के जिले कौन पहुंची है। दोस्तों, एक बार वापस रिवाइज करते हैं कल वाली ट्रिक को कि खारे पानी के जिले कौन पहुंचे थे। दोस्तों, कल वाली ट्रिक है साड़ी का पल्लू कुत्ता हाड़े है। साड़ी का पल्लू कुत्ता हाड़े है। सा यानी सांबर जी, बी यानी डीडवाना जी, पे यानी पचपदरा जी, ले यानी लून गरम सर, लून गरम सर जी, के यानी कुचावन जी, दोस्तों ये थे हमारे कल की ट्रिक। एक बार वापस देखते हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता हाड़े है। सा यानी सांबर जी, डी यानी डीरोना जी, पे यानी पचपदरा जी, ले यानी लूणकरण सर जी, के यानी कुचामन जी, ता यानी दाल सांबर जी, थे यानी फुलेरा जी, रे यानी रेवासा जी और डे यानी डेगरा जी। दोस्तों, नागौर में खारे पानी के सर्वाधिक जिले, सबसे सर्वाधिक जिले किसमें है? नागौर जिले में। दोस्तों, अब हम अपनी आज की ट्रिक पे आते हैं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे राजस्थान के मीठे पानी के जिले कौन कौन सी है हमारी ट्रिक। और नक्की को फतेह जरा उबासी। दोस्तों, हमारी ट्रिक है पी और नक्की को फतेह कर जरा उबासी। जैसे कि दोस्तों, हम मान लो कोई बाहर पे चल रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होगी। जैसे कि पानी ले लो, कुछ भी ले लो, जैसे हमें पानी तो पीना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो पी और नक्की को फतेह कर, पी और नक्की को फतेह कर जरा उबासी आना। दोस्तों, पी यानी पिछोला जी। दोस्तों, और तो ऐसे जोड़ा गया है ट्रिक के लिए नक्की, नक्की यानी नक्की जी। को यानी कोलाई जी। फतेह सागर जी। कर पुष्कर, कर पुष्कर। दोस्तों, कर पुष्कर, पुष्कर में नाम आ रहा है कर पुष्कर। जय 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 समझ जी, रे यानी रासम जी, ओ यानी उद्य सागर जी, बासुमत जी, श्री यानी श्री शेर जी, आना आना यानी आना सागर जी। दोस्तों, ये थे हमारी ट्रिक पी और नक्की को फतेह कर जरा उबासी आना।
पी यानी पिछोला जी, नक्की यानी नक्की जी, को यानी कोलाय जी, पते यानी पतेशाकर जी, कल यानी पुष्कर जी, जय यानी जयसमंद जी, राय यानी रासमंद जी, उबासी को यानी उद्देशाकर जी, बाय यानी बासमंद जी, श्री यानी श्री शहर जी, आय अन्ना यानी अन्ना साकर जी। दोस्तों इन जिलों को देखते हैं ये जिले कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे पिछोला जी, पिछोला जी है उदयपुर में, नक्की जी, नक्की जी है सिरोही में, कोलाय जी है बीकानेर में, फतेहसागर, फतेहसागर जी है उदयपुर में, पुष्कर, पुष्कर का बताई होगी अजमेर में, राजसमंद, राजसमंद में, सिटी सेठ जी अलवर, अन्ना सागर अजमेर, बालसमंद जोधपुर, जयसमंद ये भी है उदयपुर में। दोस्तों ये थे हमारे, दोस्तों हम इनके कुछ और फैक्ट जानते हैं। जैसे पिछोला जी, पिछोला जी कहाँ पे है, उदयपुर में है, और दोस्तों इसका निर्माण बंजारा द्वारा किया गया, बंजारा द्वारा राणा लाखा के समय, इसके समय राणा लाखा के समय बंजारा द्वारा किया गया। जैसे दोस्तों जग मंदिर इसी जिले में है। उसके बाद आता है अगली जिला की है नक्की जिले, नक्की जिले कहाँ पे है, सिरोही में। दोस्तों नक्की जिले को माना जाता है कि देवताओं द्वारा नाग मुंह से बनाया गया है, नाग मुंह से खोल खोल के बनाया गया है। अगली जिला थे दोस्तों कोलाय, कोलाय गांव में बीकानेर में, उससे आगे आती है फतेहसागर जी, फतेहसागर जी कहाँ पे है उदयपुर। दोस्तों फतेहसागर जी का निर्माण महाराजा महाराजा जय सिंह ने करवाया था, जो कि इसका पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण किसने करवाया था, पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। इसीलिए इस जेल का नाम फतेहसागर जेल रखा गया है। दोस्तों अगली है पुष्कर जेल, पुष्कर जेल तो दोस्तों आप सबको पता होगी कैसा है कैसा नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं पुष्कर जी, पुष्कर जी को कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, तीर्थों मामा किसे कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं, बावन घाट यहाँ पुष्कर जी में ही है। दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं इसमें कार्तिक पूर्णिमा, कब कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे मेला लगता है, जो बहुत बड़ा मेला होता है। और दोस्तों पुष्कर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, पुष्कर झील है। दोस्तों अगली है उदयसागर झील, उदयसागर झील का निर्माण किसने करवाया था, उदयसागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने, किसने करवाया था उदय सिंह ने। दोस्तों अगली आती है जयसमंद जी, एक बार देखते हैं जयसमंद जी कहाँ है उदयपुर में, दोस्तों मानव निर्मित सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जयसमंद जी, मानव निर्मित राजस्थान की सबसे बड़ी झील है जैसलमेर की। अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील है अजमेर में। दोस्तों अन्ना सागर झील के किनारे एक बाग बना हुआ है, उसका नाम है सुभाष बाग,
क्या नाम है? सुभाष बाबू। दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान के मिटपाली जिले। दोस्तों इसी तरह ये तो मेन जितने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्जामों में जरूर कहीं ना कहीं पूछी जाती है, जैसे पटवारी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान को लेकर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। दोस्तों हम मीठे पानी के और जिले हैं उनको लेकर आते हैं। दोस्तों हमने अभी पढ़ा था राजस्थान की मीठे पानी की जिले, जिसमें हमने मेन मेन इम्पोर्टेंट जिले पढ़ लेते हैं। दोस्तों राजस्थान में मीठे पानी के और भी जिले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो कि उनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, उनके बारे में सिर्फ जिले ही पूछी जाती है। जैसे कि गज, गज यानी गजनेर जिले, कौन सी है? गजनेर जिले। कहाँ है? कोलायत जिले। दोस्तों कोलायत जिले कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर। दोस्तों कोलायत जिले राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो इंदिरा गांधी नहर, जो इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी लेती है। इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है कोलायत झील में। उसके बाद है तालाब, तालाब में भी तालाब सा जी अमर, अमर यानी अमर सागर जी, कनक यानी कनक सागर जी, गेव, गेव यानी गेव सागर जी, पन्ना यानी पन्ना सागर जी, नंद यानी नंद समन जी, मान, मान यानी मान सागर जी। दोस्तों ये थी हमारी ट्रिप। गच्छ का तालाब अमर कनक में गैर है, पन्ना नंद के मान का। दोस्तों एक दो बार पढ़ोगे ट्रिक तो याद हो जाएगी। गच्छ का तालाब अमर कनक में गैर है, पन्ना नंद के मान का। गच्छ यानी गजनेर जी, का यानी कोलायत जी, तालाब यानी तालाब सागर जी, अमर यानी अमर सागर जी, कनक यानी कनक सागर जी, गैर यानी गैर सागर जी, पन्ना यानी पन्ना सागर जी, नंद यानी नंद समन जी, मान यानी मान सागर जी। दोस्तों ये थे हमारे मीठे पानी की जिले जो कुछ बची थी। दोस्तों हमने आज पहले पढ़ाई थी आपको खारे पानी के जिले, आज हमने मीठे पानी के जिले पढ़ाई है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताना।